माई मदर एट 66 बाय कमला दास, ये है हमारी फर्स्ट पोएम। और डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को हम पूरी एक्सप्लेन कर चुके हैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, और इसको अगर आपने पढ़ना है दोबारा तो आप एक बार इसको लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन से और वहाँ पर इसको पूरी पोएम को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि इसकी लाइन से हमें पता चलेगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तो ये वाली जो लाइन हैं, तो इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन हमारे बनेंगे, आप चैप्टर पूरी पोएम आप वहाँ से पढ़ लें, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन बन रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो कौन है इसकी पोएट, कौन है पोएट्रेस, कौन है इसकी, कमला दास, ठीक है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड पोएट्रेस इज कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज पोएट्रेस गोइंग टू एंड विद होम, तो पोएट्रेस किसके साथ जा रही है, पोएट्रेस जा रही है अपनी मदर के साथ, ठीक है। पोएट्रेस वॉज गोइंग टू, गोइंग टू का मतलब भाई कहाँ पर जा रही है, शी वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके साथ कौन है, हर मदर, तो इसका आंसर हो गया द पोएट्रेस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर, ठीक है। थर्ड सी क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार, तो इनसाइड कार डॉटर ने क्या नोटिस किया था, डॉटर नोटिस्ड द साइंस ऑफ डेथ ऑन हर मदर्स फेस, तो डेथ के साइन मदर के फेस पर पोएट्रेस ने नोट किए थे। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल, जो रियलाइज करती है वो पेनफुल क्यों होती है, वो ऐसा महसूस करती है अभी उसकी, उसको जब साइन ऑफ डेथ दिखते हैं तो वो क्या रियलाइज करती है, पेनफुल क्यों लगता है उसको, बिकॉज देर वर साइंस ऑफ डेथ ऑन हर मदर्स फेस, इसलिए उसको वो पेनफुल लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन व्हाट स्टेट इज मदर नाउ, क्या किस स्थिति में है उसकी माँ, किस स्टेट में है उसकी माँ, हर मदर लुक्स लाइक ए डेड बॉडी, उसकी मदर डेड बॉडी की तरह उसको लग रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा पोएट्रेस नेम कमला दास, वेयर इज शी गोइंग कोचीन, हु वाज सिटिंग विद हर, पोएट्रेस के साथ कौन बैठी थी, उसकी मदर बैठी थी, हाउ डज द पोएट्रेस पोएट्स मदर लुक पेल एंड वीक। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो इसमें क्या है कि आप पोएम को पूरी जब पढ़ लेंगे तो इसके आंसर बड़ी जल्दी जल्दी दे पाएंगे। तो फ्रॉम विच पोएम हैव बीन दीज लाइन्स टेकन, किस लाइन, किस पोएम से लिए ये लाइन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द पोएट्रेस नोटिस अबाउट द ट्रीज, ट्रीज के बारे में क्या नोटिस करती है चिल्ड्रन के बारे में, शी फाउंड दैट द ट्रीज रेसिंग एंड द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, के भी जो ट्रीज हैं उसको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जब वो बाहर की तरफ देखती है, और बच्चे भी अपने घरों से आते हुए दिखाई देते हैं, ये नोटिस करती है वो। व्हेन शी लुक एट हर मदर अगेन, व्हेन डिड, कब देखा उसने, तो शी लुकड एट हर मदर अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपनी मदर की तरफ देखा। नेक्स्ट हाउ डिड शी लुक, कैसी लग रही थी वो, शी लुकड सिकली एंड पेन, वो बहुत सिक लग रही थी और पेन लग रही थी। वट वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम, रनिंग फास्ट किसको बोलते हैं, रनिंग फास्ट बोलते हैं स्प्रिंटिंग को, जब एक स्प्रिंट जो रेस होती है वो इसी कारण से उसको, ये बहुत तेज़ रेस होती है तो पेड़ तेज भाग रहे हैं तो स्प्रिंटिंग यहाँ पे वर्ड आया जो, और कमिंग आउट होता है स्पिलिंग, ठीक है। तो ये वर्ड आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, व्हाट डिड द पोएट्रेस सी मेकिंग ए मूवमेंट, तो क्या मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ पर दिखाया, किस चीज़ का मूवमेंट दिखाया, एक तो ट्रीज का और दूसरा चिल्ड्रन का, तो ए एंड बी दोनों आंसर हैं इसके। क्वेश्चन नेक्स्ट है वेयर वॉज द पोएट्रेस एट द वेरी मोमेंट, उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सब बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर वो कहाँ पे थी, ठीक है, कहाँ पर, किस मोमेंट की बात कर रही है वो, ठीक है, एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे जो भी ऑप्शन में है। तो हु डिड द पोएट्रेस लुक एट अगेन, तो पोएट्रेस किसकी तरफ देख रही है, अपनी मदर की तरफ देख रही है, ठीक है, जब उसको सी ऑफ करती है तो अपनी मदर की तरफ देख रही है। हाउ डिड द अदर पर्सन लुक, ठीक है, तो दूसरे पर्सन जो यहाँ पे है, दूसरा पर्सन कौन है, अदर पर्सन तो उसकी माँ है, तो वो कैसी लग रही है उसको, सिकली लग रही है और येलो कलर्ड लग रही है, क्योंकि उसके अलावा दोनों मतलब जो रिलेटिव हैं वो और कोई नहीं है, उसकी माँ ही है उसके साथ, तो इसलिए, तो यहाँ पे लेट विंटर मून्स, ये वाली जो आपकी लाइंस हैं इनको आप एक बार स्टडी कर लें अच्छे से, और इसके क्वेश्चन आंसर हमारे बनेंगे नेम द पोएम एंड द पोएट्रेस,
पोएम और पोएट्रेस का नेम क्या है, नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएट्रेस इज कमलादास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद हुम डिड द पोएट्रेस कंपेयर हर मदर, किसके साथ उसने कंपेयर किया अपनी माँ को, अपनी माँ को उसने कंपेयर किया है टू द विंटर मून, विंटर के मून के साथ उसने कंपेयर किया है। द पोएट्रेस जो सी क्वेश्चन है इसका, सी है व्हाट डिड द पोएट्रेस फील, पोएट्रेस क्या फील करते हैं, पोएट्रेस फेल्ट द ओल्ड चाइल्डहुड फियर, जो बचपन का उसका फियर था कि अभी मेरी माँ मर जाएगी, वो वाला फियर उसको उसको वो रिमाइंड करती है। तो नेक्स्ट डी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट्रेस टेल हर मदर, अपनी माँ को क्या बताती है वो, द पोएट्रेस टोल्ड हर मदर दैट शी वुड सी हर अगेन, कि भाई वो उससे दोबारा मिलेगी, ये बताती है उसको जब वो सी ऑफ करती है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा हैविंग मीन सेम, वेल नोन, वेल नोन का मतलब है फेमिलियर, और पेन का मतलब क्या है एके, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, पोएट्रेस नेम कमलादास, विद होम द पोएट्रेस कंपेयर हर मदर टू, किसके साथ कंपेयर कर रही है, विंटर मून के साथ, और वाई डिड द पोएट्रेस फील एके एट हर हार्ट, अपने हार्ट में कौन सा वो एके दर्द कौन सा फील करती है वो, टू सी हर सिक एंड ओल्ड मदर, मतलब वो अपनी माँ को बीमार और बूढ़ी देख करके वो एके फील होता उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द वर्ड अम्मा रेफर टू फॉर द पोएट्रेस, अम्मा किसको कह रही है, वो मदर को कह रही है अपनी, व्हाट डिड द पोएट्रेस टेल हर मदर, अपनी माँ को वो क्या बताती है, ठीक है, वो उसकी माँ को लास्ट में बताती है सी यू सून अगेन, कि भी वो उसको दोबारा मिलेगी, तो इस तरीके से वो बताती है। तो ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप पूरे जो पोएम है इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना ताकि आप लोग इसको पूरी समझ जाओ। ओके बाय, थैंक यू।